दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री हो अथवा पुरुष, जिनकी हथेली पर शंख का निशान यदि हो तो वो कितना प्रभावशाली हो सकता है। शंख का निशान होना व्यक्ति को राजतुल्य योग प्रदान करता है। इसे राजयोग भी कह सकते हैं, राजतुल्य प्रभुता पाने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। यह शंख स्त्री या पुरुष के किसी के भी हाथ पर पाया जा सकता है और शंखों की संख्या 1 से लेकर 10 शंख तक व्यक्ति के हाथ में हो सकते हैं। उसी प्रकार से ये शंख रेखा कितना प्रभावशाली व्यक्ति को बनाती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये शंख हथेली पर कहाँ होते हैं और इनका क्या प्रभाव देखा जाता है हमारी हथेली पर, इनके होने से और भी किस किस प्रकार के राजयोग के साथ साथ कौन कौन से फल हमें मिल सकते हैं, आप वीडियो को बिना स्किप किए यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इन शंखों के प्रभुत्व और शंख द्वारा बनने वाले राजयोग का संपूर्ण ज्ञान आपको हो पाएगा। तो ये शंख कहाँ हथेली पर हैं और इनका क्या शुभ फल आपके जीवन में हो सकता है, आइए जानते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, जिन शंखों की बात मैं कर रहा हूं इन्हें शंख रेखा कहा जाता है और ये शंख रेखा हमारे हाथों पर पाई जाती है। हाथों की उंगलियों पर आपने कभी देखा होगा, हाथ की आगे उंगलियों पर पहले सिरे पर ऊपर आपने देखा होगा, किसी हथेली या किसी उंगली पर आपने शंख बना देखा होगा तो किसी उंगली पर आपने चक्र बना देखा होगा, इन्हें ही शंख और चक्र रेखा कहते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में उंगली पर पाए जाने वाली शंख रेखा के बारे में कह रहे हैं, शंख रेखा की डिटेल्स हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये शंख व्यक्ति के 1 से लेकर 10 उंगलियों में 10 शंख भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन शंखों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है उसी के आधार पर व्यक्ति को राजयोग या राजयोग जैसा मिलने वाला राजतुल्य प्रभाव और फल जीवन में देखा जाता है। मित्रों, स्त्री हो अथवा पुरुष, जिन मनुष्यों के हाथ में, यहाँ पर दोनों हाथों की गणना हम एक साथ करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों ही हाथों के रेखा शंख को हम काउंट करेंगे। दोस्तों, जिन मनुष्यों के हाथ में एक शंख हो 10 उंगलियों मिलाकर के, यदि 10 में से एक उंगली में यदि एक ही शंख हो तो वह मनुष्य यत्नशील होता है और कर्मठ होता है। ऐसे व्यक्ति निरंतर कार्यों में और कार्यों को पूर्ण करने के लिए निरंतर लगा रहता है, इसलिए वो अपने जीवन में काफ़ी सारी सफलताएं प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी आलसी नहीं होता बल्कि बहुत कर्मठ व्यक्ति माना जाता है। इसी के साथ में दोस्तों, यदि 10 उंगलियों में से केवल 2 ही शंख यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हो, शंख रेखा 2 ही हो, तो 2 शंख रेखा होने से व्यक्ति दरिद्री माना जाता है और दरिद्र का मतलब यहाँ पर है वो अपनी आदतों से दरिद्र होता है। जैसे कि किसी के पास बहुत सारी धन संपदा हो उसके बावजूद वो अपने को गरीबों में गिनता हो या गरीबों जैसा या दरिद्र जैसा रहता हो या जिसकी बहुत सारी चीज़ों की प्राप्त करने के बाद भी जिसकी लालसा खत्म न हो, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है जिसके कि हाथों पर मात्र 2 शंख ही होते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति स्त्री या पुरुष के 10 उंगलियों में से केवल 3 ही शंख निकलते हों, 3 ही शंख रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति पुरुष स्त्री के लिए आकर्षित जिंदगी पर्यंत रहता है या ऐसे स्त्री पुरुषों के लिए आकर्षित रहती है जीवन पर्यंत, और पुरुष स्त्री के लिए जीवन पर्यंत रोता रहता है और स्त्री पुरुष के लिए रुदन करती रहती है जीवन पर्यंत। किंतु दोस्तों, यदि किन्हीं व्यक्तियों के हाथ पर टोटल यदि 4 शंख हों तो ऐसा व्यक्ति राजा
बनता है, यानी कि राजयोग ऐसे व्यक्तियों की हथेली पर होता है और ये राजयुग राजतुल्य प्रभुता देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति राजयोग में उत्पन्न होता है और ऐसा व्यक्ति राजयोग के प्रभाव से अपने जीवन में राजा से कम नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों का शक्ति, प्रभुता, कार्यशैली, बुद्धिमता और विद्वता सभी चीज़ ऐसे व्यक्ति के पास होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रख्यात और प्रभुता और प्रभावशाली, ऐश्वर्यशाली माने जाते हैं। दोस्तों, यदि किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में टोटल 10 उंगलियों में से 5 शंख की गणना होती है, केवल 5 शंख ही रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति समुद्र पर्यंत प्रभुता का सूचक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत गहरे मिजाज के होते हैं, बहुत भारी विद्वान माने जाते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिंग बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत ऊंची पहचान होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत भारी विद्वान भी होते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और शंख के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों के कर्म और प्रभुता, ऐसे व्यक्तियों के गुण विश्व में विख्यात होते हैं। और यदि दोस्तों कुल मिलाकर किन्हीं व्यक्तियों के यदि 6 शंख गणना में आते हों, 10 उंगलियों में से केवल 6 शंख की रेखा यदि हो, तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत भारी विद्वान माने जाते हैं, बहुत भारी बुद्धिमान माने जाते हैं और बुद्धिमता के बल पर ऐसे व्यक्ति राज करते हैं। दोस्तों, यदि किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में केवल 7 यदि शंख रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति दरिद्र माने जाते हैं। दरिद्र की परिभाषा मैंने आपको पहले भी कहा है, दरिद्र धन न होना भी दरिद्र होता है और अच्छे गुण न होना भी दरिद्र कहा जाता है। यदि 10 उंगलियों में से 8 उंगलियों पर यदि शंख है जिन व्यक्तियों के, तो वो ऐसे व्यक्ति अपना पूरा जीवन सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत अच्छा होता है, भाग्य बल पर ये व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत एक अच्छी लग्जरी और सुंदर जीवन जीने की कला रखते हैं। दोस्तों, यदि हथेली पर मात्र 10 उंगलियों में से यदि 9 उंगलियों में यदि शंख पाए जाते हों, शंख रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति स्त्री पुरुष मनुष्य स्त्री प्रवृत्ति के होते हैं और स्त्री प्रवृत्ति का यहाँ पर मतलब है प्राकृतिक रूप से पुरुष भी हो तो वो स्त्रियों की तरह ही गुण वाले होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। और 10 शंख यदि जिन व्यक्तियों के हों, तो ऐसे मनुष्य राजा माने जाते हैं, राजयोग में उत्पन्न होते हैं। 10 उंगलियों पर यदि हों, तो ऐसे व्यक्ति या तो बहुत भारी राजा माने जाते हैं, बहुत बड़े कर्मचारी माने जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, या फिर ध्यान मुद्रा में योगी होते हैं, योग साधना में रत रहने वाले ऐसे परम योगी माने जाते हैं, परम हंस रूप में हो जाते हैं। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र के वेताओं का स्पष्टीकरण है, कथन है। दोस्तों, ये थे शंख के प्रकार और शंख किन किन संख्या में व्यक्तियों के हाथ में हैं, उनके क्या क्या फल देखे जाते हैं, ये हमने इस वीडियो में स्पष्ट किया। अधिक जानकारी के लिए और भी वीडियो में हम और भी सारी डिटेल्स दे सकते हैं आपको। हमारे इस चैनल को इस तरह की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए नेक्स्ट पॉइंट के साथ में।